टोटल हमने आज 9 लोगों को कोविड टेस्ट कराने के बाद इनको अरेस्ट किया गया है। दूसरा अशोक जी प्लीज आप नजर अंदाज नहीं कर सकते जो ओनर्स हैं क्या उन्हें बचाया जा रहा है। गुजरात के राजकोट जिले के आईजी ने मोरबी पुल हादसे को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वह बीजेपी सरकार, गुजरात म्यूनसिपालिटी और अजंता कंपनी के मालिकों को जिनकी वजह से 135 लोगों की मौत हुई उन्हें बचाते दिखे। पत्रकारों ने उन्हें बुरी तरह घेर कर बार बार मुख्य आरोपियों पर FIR ना होने तथा उनकी गिरफ्तारी ना होने पर सवाल खड़े किए, परंतु IG साहब बार बार उन सवालों को घुमाते रहे, जिससे साफ हो जाता है कि वह सरकार को बचा रहे हैं तथा उसके दबाव में काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं उनकी वह प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुमार यादव जो कि IG है राजकोट रेंज के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको पता है कि कल एक काफी दुखद घटना मोरबी जिले में हुई है। सभी जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है उनके प्रति मैं शोक की लागणी व्यक्त करता हूं और काफी दुख के साथ हम लगभग दो दिन तक 24 घंटे तक काफी लोगों का एक करुण दृश्य हमने भी देखा है, तो हमको इसमें काफ़ी आहत हुई भावनाएं हैं। 30 तारीख को हमने एक FIR दाखिल की, जिसमें किसी भी प्रकार के नेग्लिजेंट एक्ट के लिए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध में कड़क से कड़क बगला लेने के उद्देश्य से मोरबी पुलिस द्वारा 304, 308 और IPC 114 मुजब की धाराओं के तहत इसमें गुनाह दाखिल किया गया। हमारा इरादा शुरू से ही आरोपियों के विरुद्ध में कड़क से कड़क या सख्त से सख्त सजा लेने का, दिलाने का और एक दाखला बैठने का प्रयास हमने कल जो FIR की है उसमें किया गया है। आपको पता है कि ये जो टोटल जो FIR दाखिल हुई है उसमें कल 6:30 बजे जो हैंगिंग ब्रिज था वो कोलैप्स हुआ है। उसकी कोलैप्स की वजह से काफ़ी लोग उसमें पानी में गिरे हैं, पानी में गिरने के बाद काफ़ी लोगों की डेथ हुई है। लेकिन पुलिस का और प्रशासन का इतना फास्ट रेस्पॉन्स इस पूरी प्रक्रिया के तहत हुआ है कि तुरंत मोरबी पुलिस, मोरबी के पब्लिक सब लोगों ने एक उत्तम दाखला मानवता को बचाने के लिए कल किया है। इस अभियान के अंदर मोरबी के एक एक व्यक्ति ने, भले पुलिस की ट्रैफिक व्यवस्था हो, पुलिस के लिए लोगों को एम्बुलेंस से तात्कालिक हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था हो, बाहर के लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था हो, तमाम बाबतों में मोरबी के पब्लिक ने हमारा एक खूब बड़ा हमारा मदद किया है। हम इस मौके ऊपर मोरबी की पब्लिक का भी हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। सर ओरेवा कंपनी जिसका नाम आपको पता है कि जो फास्ट रिस्पॉन्स हुआ है उसमें पुलिस द्वारा जो पूरी कार्रवाई हुई है उसमें लगभग तुरंत एक्शन लेते हुए हैं। 4 जिलाओं से राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर, कच्छ और आजूबाजू के जिलाओं से 100 के आसपास एम्बुलेंस, 40 से ज़्यादा मेडिकल टीमें और अलग अलग प्रकार की जो राहत की सामग्री, राहत की कामगिरी के अंदर जो टीमें जुड़ी गई हैं उसमें 2 टीम NDRF की हैं, 2 टीम SDRF की हैं, 6 कॉलम आर्मी के हैं, 30 कॉलम गरुड़ कमांडो एयरफोर्स के हैं, 50 नेवी के जवान हैं, 18 बोट और लगभग 180 फायर सर्विसेज के कर्मचारी अधिकारी अपने साधन सामग्री साथ तैनात रहे थे। साथ साथ मोरबी पुलिस और गुजरात पुलिस के लगभग 1500 से 2000 लोग
कर्मचारियों वहीवटी तंत्र कर्मचारियों आ 24 कलाकनी आखी जहमत खूबज एक टीम तरीके कामगिरी करी अने तमाम जे लोगाने दुखद अवसान थयेलो हतो ए तमाम ने तात्कालिक एने बहार काढवामां आवेल हता अने खूबज फास्ट रीते आ कामगिरी पूरी करवामां आवेल हती। आपके लिए जो कल FIR दाखिल की गई थी उसमें आज हमने 9 लोगों को अरेस्ट किया है। ये 9 लोग कल हमने जो FIR की थी उसके अंदर 304, 308 और 114 की जो धाराएं हैं उसके तहत हमने दाखिल की थी। उसमें से जो 9 लोग अरेस्ट किए गए हैं उनकी जो पूरी विगत है उसमें से दीपक भाई नवीन चंद्र भाई पारेख एज 44 ओरिवा कंपनी में मैनेजर है। दूसरा दिनेश भाई मनसुख भाई दवे ये पण ओरिवा कंपनी के अंदर मैनेजर है। तीसरा मनसुख भाई वालजी भाई टोपिया एज 59 ये टिकट क्लर्क का काम करते हैं। चौथा मदर भाई लाखा भाई सोलंकी ये भी वहाँ टिकट क्लर्क का काम करते हैं। इसके साथ साथ जो इस पूरी जो रिपेयरिंग की काम हुई उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे उसमें से 2 लोग धांगद्रा के हैं जिनका नाम है प्रकाश भाई लालजी भाई परमार ये ब्रिज रिपेयरिंग कॉन्ट्रैक्टर हैं। दूसरा देवांग भाई प्रकाश भाई परमार एज 31 ये दोनों ब्रिज के कॉन्ट्रैक्ट के रिपेयर करने काम करते हैं। साथ साथ इस अखी टीम के अलावा 3 ऐसे लोग भी हैं जो पूरी नेग्लिजेंट एक्ट जिसमें लोगों को रेगुलेट करना होता है ज़्यादा लोगों को निकालने का काम होता है ज़्यादा लोग वहाँ की स्ट्रेंथ से बाहर नहीं निकले तो इस तरह की जो सिक्योरिटी गार्ड थे ये 3 लोगों को उसमें अरेस्ट किया गया है। तो टोटल हमने आज 9 लोगों को कोविड टेस्ट कराने के बाद इनको अरेस्ट किया गया है। दूसरा अशोक जी प्लीज आप नजरअंदाज नहीं कर सकते जो ओनर्स हैं क्या उन्हें बचाया जा रहा है। लेट मी स्पीक। रही बात इसमें जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है आज इन्वेस्टिगेशन का दूसरा दिन है। हमारी इसमें पूरी टीम अधिकारियों की 50 कर्मचारियों की टीम FSL फॉरेंसिक साइंस इन तमाम टीमों को इस काम के लगाया गया है। इसमें जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा इसमें और आरोपियों के नाम खुलते जाएंगे तो पुलिस द्वारा उन देखो इसमें किसी को ऐसे एलिगेशन करना पूरे इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट नहीं होता है। इन्वेस्टिगेशन एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है। इसमें जैसे 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 इसका नाम खुलता जाएगा पुलिस उसकी धरपकड़ करती जाएगी और किसी भी व्यक्ति को किसी भी कंडीशन छोड़ने का पुलिस का कोई इरादा नहीं है। गुजरात सरकार और हमारा भी प्रयास ये है कि इस पूरी प्रक्रिया के अंदर एक सख्त दाखला बैठे। इसके तहत हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रचना की है जिससे कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी अवकाश नहीं मिले और पूरी इन्वेस्टिगेशन और मैंने जैसे आपको पहले बताया है जो पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जिन लोगों का प्राथमिक तबक्के इनका रोल आया है उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है। अभी पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन इसमें जिसकी जिसकी जवाबदारी बनेगी उसके विरुद्ध में पुलिस द्वारा भविष्य के अंदर जैसे जैसे स्टेटमेंट आएंगे एविडेंस इकट्ठे होंगे पुलिस द्वारा पकड़ा लिया जाएगा। आपके जितने भी क्वेरी वगैरह है वो मैं क्वेरी का आंसर दे रहा हूँ। इसमें एग्रेसिव वर्तन करने से हमारी जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है उसमें पूरा जो हमारा
रोल यही है कि इसमें जो अधिकारी कर्मचारी इसमें लगाए गए हमने पूरे हमें गुजरात